गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल इन फिजिक्स क्लास। यस स्टूडेंट्स, यस्टरडे वी हैव डिस्कस अबाउट द एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। दीज थ्री टाइप्स वी हैव डिस्कस एंड आई हैव गिवन वन न्यूमेरिकल टू यू फॉर द सॉल्यूशन और फॉर सॉल्विंग। Now next we will start. Next will be start combination of error. Combination of error. This is most important and most valuable topic. In combination of error, हमने physical quantity में पढ़ा तो physical quantity can add it, physical quantity can subtract it, physical quantity can multiply, physical quantity can divide. तो divide and physical quantity और multiply physical quantity are different. Physical quantity can multiply, different can divide, and same can divide or same can multiply. But in addition, only the same physical quantity can add it, only the same physical quantity can subtract it. यानी कि जब हमें add करना होगा या difference निकालना होगा, then same physical quantity. Meter minus by meter. सेंटीमीटर माइनस बाई सेंटीमीटर, सेकेंड माइनस बाई सेकेंड, आवर माइनस बाई आवर, देयर इज नो पॉसिबिलिटी दैट के वेलोसिटी माइनस डिस्टेंस, वेलोसिटी से डिस्टेंस माइनस नहीं होगा। स्पीड कैन नॉट सेपरेटेड और कैन नॉट डिफरेंस और एडेड विद द एक्सीलरेशन। वेलोसिटी को एक्सीलरेशन के साथ एड नहीं कर सकते, वेलोसिटी को एक्सीलरेशन से डिटर्मिनेंट नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो वैसे ही कॉम्बिनेशन है। सो फॉर दीज कॉम्बिनेशन, फॉर फ्यू फिजिकल क्वांटिटी विच कैन एडेड, तो जो एडेड फिजिकल क्वांटिटी है वो सब सेम फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। सो फॉर देम पॉइंट ए, एरर ऑफ सम, एरर ऑफ सम यानी फिजिकल क्वांटिटी का सम, ठीक है। अब देखिए, समझिए बड़े ध्यान से, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज ए इज ए फिजिकल क्वांटिटी और एनी ऑब्जर्वेशन, कोई स्टैंडर्ड ऑब्जर्वेशन है कितना ए, ठीक है। बट वन स्टूडेंट विच इज परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट make few difference, make few error. एक स्टूडेंट ने कोई एक्सपेरिमेंट किया और उसने थोड़ा सा एरर कर दिया, ठीक है। ए करना चाहिए था बट ए से कम या ज्यादा हो गया। फॉर एग्जाम्पल ए कह दिया मैंने, जैसे एक नोट्स का बंडल है, नोट्स के बंडल में स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है, 100 नोट्स होते हैं। मैंने एक स्टूडेंट को दिया काउंट करने के लिए, उसने क्या किया, उसमें से एक कम कर दिया, 99. This is error. ठीक है? Then how we will represent this error in the term of that? So in A, first observation, error किया उसने कितना? Delta A. Delta is the smallest value of error. A किसके लिए है? क्योंकि A में error किया हुआ है. Delta A is the error. But delta A is the error, it may be positive or it may be negative. मैंने कहा कि उसने 99 notes count किए, it is not compulsory, वो एक ज्यादा भी कर सकता था, error तो कोई भी हो सकती है। So it may be plus and minus. Then we can say, consider a observation A, which is performed by an student and measured that A plus minus delta A. Means
उसने ए को ऑब्जर्व तो किया लेकिन प्लस माइनस डेल्टा ए के ऑब्जर्वेशन में उसने मिस्टेक्स किए या एरर किए। इक्वेशन इसको फर्स्ट कह दिया। एंड नाउ अनदर स्टूडेंट सपोज हैव द ऑब्जर्वेशन बी, उसको हमने दूसरे ऑब्जर्वेशंस दिए क्या बी प्लस माइनस डेल्टा बी, उसने उसमें भी कुछ एरर कर दिया। माइनस प्लस इसलिए काउंट कर रहे हैं कि इट मे बी पॉजिटिव इट मे बी नेगेटिव, पॉजिटिव भी पॉसिबल है और नेगेटिव भी पॉसिबल है। मैंने फिर आपको बता दिया कि ए यानी कि 100 बंडल थे, 100 नोट्स थे और ये नोट्स थे 100 बंडल। चलिए इधर देखो, सपोज फर्स्ट बंडल ए कितने का है, 100 वाले नोट्स है, कितने होते हैं बेटा 100, लेकिन जिसने काउंट किया वो प्लस माइनस 1 का एरर कर दिया, मे बी 101 मे बी 99। दूसरा नाम लिया बी और बी थे सपोज 200 वाले नोट्स, जानते हैं ना नोट्स सभी, तो ये कितना है 200 प्लस माइनस ये भी कम, ये 100 वाले नोट्स थे और ये 200 वाले थे, लेकिन स्टैंडर्ड बैलेंस कितनी है, ये 100 ये ठीक है। चलिए इसी तरह से अब क्या करना है, इनको ऐड करना है। सो हाउ वी विल ऐड देम, अगेन कंसीडर टू ऑब्जर्वेशंस ए एंड बी, वो जो रिजल्टेंट और सम इज जेड इक्वल टू ए प्लस बी। इन एडिशन ऑफ एरर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ए सेकेंड ऑब्जर्वेशन बी बोथ ऑब्जर्वेशंस आर ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी, सेम फिजिकल क्वांटिटी के हैं तो ऐड कर सकते हैं। सेम फिजिकल क्वांटिटी मींस सपोज दोनों लेंथ के हैं, सपोज दोनों टाइम पीरियड के हैं, सपोज दोनों वेलोसिटी के हैं, ठीक बाय ऐड देम, दोनों को ऐड किया तो रिजल्टेंट को यहां जेड से लिखा है, जेड रिजल्टेंट ऑफ द ऑब्जर्वेशन ए एंड बी है, ठीक है। नेक्स्ट, बट ए के साथ ए में ऑब्जर्वेशन क्या आया, व्हाट विल बी हियर ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी ऑब्जर्वेशन बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ए ए प्लस माइनस डेल्टा है यानी विद एरर, बी बी प्लस माइनस डेल्टा बी विद एरर, तो जेड में क्या आएगा, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। एग्जैक्ट एक्यूरेट ए प्लस बी रिजल्टेंट ऑफ बोथ ऑफ दीज जेड, ए प्लस माइनस है ए प्लस माइनस डेल्टा ए बी प्लस माइनस डेल्टा बी, इसका एरर इसके साथ लगा दिया, इसका एरर इसके साथ लगा दिया, जेड का एरर रिजल्टेंट में आ गया, तो ये जेड क्या है, डेल्टा ए और डेल्टा बी दोनों का सम है, डेल्टा ए डेल्टा बी दोनों का सम जेड, ए प्लस बी दोनों का सम जेड, ए एंड बी का जेड सम जेड, डेल्टा ए डेल्टा बी का सम डेल्टा जेड, ये ध्यान रखें। सॉल्व इट, ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी इक्वल टू ए प्लस बी, ये ए और ये बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, और इधर जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड चली रहा। नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट ए प्लस बी इक्वल टू जेड, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू जेड प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, यानी एक्यूरेट वैल्यू से एक्यूरेट हो कैसे, बिकॉज वी आर ड्राइविंग ओनली द एरर, सो डेल्टा जेड इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी,
हमने कल के टॉपिक में पढ़ा था डेल्टा ए वन डेल्टा ए टू एंड सो ऑन डेल्टा ए एन, इन सब को क्या कहा था? एब्सोल्यूट एरर. क्या? एब्सोल्यूट एरर. सो दिस इज ऑल्सो द एब्सोल्यूट एरर. दिस इज एब्सोल्यूट एरर इन ऑब्जर्वेशन ए, दिस इज एब्सोल्यूट एरर इन ऑब्जर्वेशन बी. क्लियर? चलिए तो एक बार फिर से देख लेंगे. मैं सेम टाइप वी कैन ड्राइव फॉर द सब्ट्रैक्शन ऑल्सो. सब्ट्रैक्शन मीन्स ए माइनस बी इक्वल टू जेड, वही सेम प्रोसेस. हियर सम, हियर सब्ट्रैक्शन. ए ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b, यानी ये तो था स्टैंडर्ड और ये ऑब्जर्व. तो ऑब्जर्व में प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा b का एरर पॉसिबल है. z प्लस माइनस डेल्टा z, सॉल्व इट. a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा बी. देखिए ये माइनस है, इसको माइनस करोगे तो देन वी कैन टेक इट माइनस प्लस डेल्टा. माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस 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 प्लस इक्वल टू ए माइनस बी. ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी. माइनस प्लस प्लस माइनस एक ही बात है, इट इज द सेम थिंग. सो वी कैन टेक इट जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड. ए प्लस बी इक्वल टू जेड, सॉरी ए माइनस बी इक्वल टू जेड प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी. z प्लस माइनस डेल्टा z, z से z इट विल रिमेन्स प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b सेम एज द प्लस. सो इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, इन द केस ऑफ एडिशन, द टोटल एब्सोल्यूट एरर इज ऑलवेज सम ऑफ individual sum of individual absolute errors. This is the absolute error for two observation of the same physical quantity. ये ध्यान रखना है, same physical quantity में ही केवल error को add या subtract कर सकते हैं. Different physical quantity can multiplied or can multiplied or divide. तो जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो आएगा मल्टीप्लाइड और डिवाइड का, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा. इस वीडियो को यहीं रोक देते हैं. यस स्टूडेंट्स, सो व्हाट टॉपिक वाज रनिंग एरर फॉर द सम एंड डिफरेंस एंड बिफोर दैट एब्सोल्यूट एरर. So I am taking one example which is related to the absolute error, relative error and percentage error. For example, there is an experiment in which we are taking the observation of time period. In first time period, suppose one candidate round, we are making down on the round. He is completing in round 2.63 seconds. एक छोटा सा राउंड. After that 2.5 seconds दोबारा किया, 2.56 में ऊपर किया. तीसरा 2.42, fourth one 2.7, 2.80. So these are five observations of the time taken for five students. पांच स्टूडेंट्स को एक साथ पढ़ा दिया. And they are completing the distance with the time period. Okay? So these are the observations, five observations. So how we will drag the
एब्सोल्यूट एरर, परसेंटेज एरर एंड रिलेटिव एरर। ठीक है, इनिशियली टाइम पीरियड मीन ऑफ द टाइम पीरियड डेजिटी मीन हाउ वी डिफाइन इट, t1 plus t2 plus t3 t4 t5 divided by 5, दिस इज द मेथड, दैट इज 2.63 plus 2.56 plus 2.42 plus 2.71 plus 2.88 and divide by 5. Now sum and solve. सम करते हैं तो बेटा इसका सम है, देखिए मेरे पास में 13.12 डिवाइड बाय 5, सॉल्व इट, 5 टू जा 10, 3 31, 5 सिक्स जा 30, 1 5 टू जा 5 4 2.6, दिस इज अ एवरेज और मीन टाइम पीरियड ऑफ, तो एवरेज और मीन टाइम पीरियड हमारे पास है, मीन और एवरेज। ठीक है, इट इज इंडिविजुअल। नाउ वी विल डिफाइन द एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, और इट विल बी फॉर फर्स्ट वन डेल्टा t1 इक्वल टू, और देखिए मोड ऑफ डेल्टा t1 इक्वल टू pv 2.62 माइनस 2.63, pv माइनस t1 इट इज 2.63 और तुझे 13 माइनस 6 7 5 माइनस 2 3 0.37 सेकेंड, दिस इज द लेस वैल्यू, दिस इज द ग्रेटर वैल्यू, सो इट विल बी माइनस इक्वल टू 0.37 सेकेंड। क्यों? क्योंकि ये मोड लगा हुआ है, मोड मीन्स मैग्नीट्यूड मीन्स पॉजिटिव वैल्यू होती है, क्या पॉजिटिव वैल्यू होती है। नेक्स्ट देखते हैं, फिर डेल्टा t2 इक्वल टू इट इज ऑल्सो इन मैग्नीट्यूड 2.62 माइनस 2.56 6 0 0। नेक्स्ट डेल्टा t4 एंड डेल्टा t5 वी कैन डिटरमाइन बाय द 7, क्लियर, एंड दीज वैल्यूज आफ्टर दैट वी विल डिटरमाइन डेल्टा t mean equal to delta t1 plus delta t2 plus and so on delta t5 divided by 5. It is the mean of absolute error and its value is 0.116 seconds. Yes, 115. क्या कह रहा हूँ, ये फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू प्लस थर्ड वैल्यू प्लस फोर्थ वैल्यू प्लस फिफ्थ वैल्यू डिवाइड बाय 5, देन कंप्लीट वैल्यू 0.115 सेकंड। नेक्स्ट वन डेल्टा टी मीन एवी सॉरी रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर इक्वल टू डेल्टा टी मीन डिवाइड बाय टी mean equal to delta t mean 0.115 divided by t mean, देखिए कहाँ t mean is here 2.62 and 2.62, so this value is t mean, that is 0.041 0.041 0.419. solve it, this is the relative error. And finally, percentage error
equal to same value 0.115 divided by 0.62 into 100. Then it will be same here multiplied by 100. 4.19% multiplied by 100, the decimal replaced by 2 digits. So this is the method to evaluate the absolute error in numerical. Now in same video, in starting we have studied about the sum of error, the error of sum, error of sum can be plus minus delta A and delta Z equal to plus minus delta A plus minus delta B. Clear? So related to that, there is one another example number next, whatever is coming. Suppose there are two registers, you have studied in that chapter. There are two registers, one is R1, second one is R2. In series combination, R is equal to R1 plus R2. R1 equal to 100 plus minus 3 ohm, R2 equal to 200 plus minus 4 ohm. Standard value with error, standard value with error. ध्यान में आपने क्या किया था, a plus minus delta a, b plus minus delta b, ठीक, R1, R2, next, in series combination R equal to R1 plus R2, sum of them, 100 plus 200, 100 plus 200, with error, 3 plus 4, 100 plus 200, 300, 3 plus 4, 7. So this is the resulting or sum of the absolute error. So in that numerical, we can calculate the absolute error in the term of sum. Okay? Thank you.